बस सुनाओ ठीक है बच्चे ठीक है और गुड़िया नु नहीं लेके आई और ट्यूशन पढ़ा रही थी तो प्रवीण वो काम पे गए चल और बस ठीक जो मैं गई तो मेरी भरजाई जी जिद करके आप रखड़ी बन्न चली गई अपने पेके मैं फिर उस टाइम फिर भरा नहीं सी भरजाई नहीं सी तो फिर भरा भरजाई बिना तो चंगा नहीं लगता वैसे आ तो गए थी पर मेरा दिल जहाँ नहीं मनिया कि मेरा दिल बड़ा दुखी होया तो मैं फिर वापस आ गई मैं फिर यही समझा कि जिदा मैनु दुख लग्या है कि तेन जिदा ही दुख लग्या होना कि जो तू खाली घर देखा होना है मम्मी कले आ भी तेरे दिल से भी यही बीती होनी है इस करके फिर मैं वापस आ गई सॉरी मेरी गलती है मेरे लिए मैं मम्मी ने फोन कर लिया मम्मी कहते भी हाँ अभी गए हुए हैं कोई ना जो आऊगी तो मैं तेन बुला लूंगी फोन करके तो उ फिर मैं मम्मी ने फोन करता से भी आ गई तुमने समझ लग गई कि मेरी जी अपनी ननान होंगी अपनी भैन ही सॉरी कहने की कोई लड़ नहीं फिर की हो अपना ननान भरजाई का प्यार बनया रहे इदा ही जिदा सानू भरा जरूरी इदा भरजाई भी जरूरी है राजी रहन भरा भरजाई जाने का परिवार में आपने ये देखा कि जब नंद घर में आई तो भाभी कितनी खुश होकर उसको मिली और नंद भी भाभी को खुश होकर मिली और भाभी भी नंद को खुश होकर मिली और उसने वीडियो में एंड में यही बोला है कि जो जब भाभी ने माफी मांगी तो नंद ने यही बोला कि नहीं गलती की कोई बात नहीं है कि हम तो हमेशा भाई बहन की लंबी आयु की आशा करते हैं कि हमारे जैसे मेरे भाई की लंबी आयु हो वैसे मेरी भाभी की हो बच्चों की हो तो जो बहनें होती हैं वो हमेशा अपने भाई बहन की माँ बाप की भाई भतीजों की लंबी आयु की आशा करती हैं हमेशा वो आशीर्वाद ही देती हैं भाई बहन को इसलिए आप भी अपनी नंद को अच्छे से खुश होकर मिले तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना थैंक यू।